हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केरल के सबसे खूबसूरत शहर कोची के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। भारत के अरबियन सी से लगते मालाबार तट पर मौजूद यह शहर भारत के मेजर पोर्ट सिटी में से एक है। यह शहर भारत के साउथ वेस्टर्न कोस्ट में मौजूद है, जो अपने रिच कल्चर और भारत के पुराने इतिहास की वजह से जाना जाता है। उस समय से यह शहर पॉपुलर है जब भारत में लोगों ने मसालों का निर्यात यूरोपीय देशों में करना शुरू किया था। यह शहर एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट का भाग है, जो केरल के सबसे पॉपुलेटेड शहरों में से एक माना जाता है। साल 2011 के जनगणना के अनुसार इस शहर के अर्बन एरिया में करीब 6,45,000 लोग 98 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहते थे। वहीं 4400 वर्ग किलोमीटर में यह पूरा शहर फैला हुआ है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2 मिलियन से भी ज्यादा है, जो इसे मोस्ट पॉपुलेटेड अर्बन एरिया बनाता है। यह शहर ग्रेटर कोचिंग सिटी का भाग भी है, जिसे भारत सरकार द्वारा टियर 2 सिटी घोषित किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि कोचीन हमारे भारत का प्राचीन सी पोर्ट में से एक है, जहाँ से विदेशों में मसालों का निर्यात किया जाता था। 14वीं सेंचुरी में यह मेजर ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर उभरा था, जहाँ से अरबों लोगों के साथ व्यापार किया जाता था। उसके बाद पुर्तगालियों ने यहाँ पर सी पोर्ट को डेवलप किया, जिसके बाद इस शहर में व्यापारी क्रांति की शुरुआत हुई। आज के समय में यह शहर पर्यटक के मामले में भारत का 6वां सबसे बेस्ट सिटी माना जाता है। पूरे केरल राज्य में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी शहर में आते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो लोनानी प्लैनेट्स के रैंकिंग में इसे दुनिया का 10वां मोस्ट विकसित शहर का खिताब मिला है। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस फर्म के द्वारा इस शहर को भारत के टॉप मोस्ट इमर्जिंग फ्यूचर मेगा सिटी बताया गया है। इस शहर को केरल राज्य की फाइनेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर के डेवलपमेंट के कारण ही पूरे केरल राज्य का GDP इसी शहर से ज्यादा जाता है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो शहर से 28 किलोमीटर नॉर्थ में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों से फ्लाइट ऑपरेट करता है। इस एयरपोर्ट से थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया तक सीधी फ्लाइटें जाती है, क्योंकि यहाँ पर 100% सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह शहर भारत के सभी राज्यों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 6 लाइन हाईवे बनाया गया था, उसी के बीच में कोचीन शहर भी आता है। इस शहर में आपको रेलवे लाइन्स भी देखने को मिल जाएंगी, जो भारत के विभिन्न हिस्सों तक आपको आसानी से ले जाने में मदद करती है। आपको यहाँ भारत की पहली वाटर मेट्रो भी देखने को मिलेगी, जो अपने आप में एक खास है। तो दोस्तों, कोचीन शहर का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और यूट्यूब चैनल डिजिटल टुडे। कीप स्माइल एंड कीप ग्रोइंग।